सोने के जहाज में उड़ने वाले सुल्तान की बेटी ने फूलों की दुकान में नौकर के बेटे से शादी की। मलेशिया के जोहोर स्टेट की राजकुमारी तुंकु तुन अमीना मैमुना इस्कंदरिया ने डच मूल के डेनिस मोहम्मद अब्दुल्लाह से इसी माह 14 अगस्त को शादी कर ली है। खास बात यह है कि सुल्तान का ये दामाद एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म में जॉब करता है। राजकुमारी और डेनिस की मुलाकात मलेशिया के एक कैफे में करीब 3 साल पहले हुई थी। इसके बाद डेनिस ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस शादी को दोनों परिवारों का समर्थन और आशीर्वाद हासिल हुआ है। परिवारों ने सभी परंपरागत रस्मों के अनुसार दोनों का विवाह करवाया और जोहोर के मुस्लिमों की सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक सुल्तान ने अपनी बेटी को 2250 रिंगिट यानी करीब 300 रुपए की मेहर की रकम की ही मांग की। तुंकु तुन सुल्तान की इकलौती बेटी हैं और उनके 6 बच्चों में वे दूसरे नंबर पर हैं। ऐसा है डेनिस का परिवार। जिस समय तुंकु की अपने वर्तमान पति से मुलाकात हुई उस वक्त भी डेनिस सिंगापुर में टैम्पाइंस रिवर्स फुटबॉल क्लब के मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करते थे। 2015 में इस्लाम स्वीकार करके वे डेनिस वर्वास से डेनिस मोहम्मद अब्दुल्लाह बन गए थे। डेनिस नीदरलैंड के एक छोटे शहर से आते हैं। पहले वे मॉडल और सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रह चुके हैं। डेनिस के पिता एक फूल की दुकान में और माँ कपड़ों की दुकान में काम करते हैं। शानदार है सुल्तान का जलवा। सुल्तान की लाडली की शादी पूरे शाही अंदाज से हुई और इस मौके पर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। जोहोर के सुल्तान इब्राहिम इस्माइल इब्नी अलमरहम सुल्तान इस्कंदर अल हज मलेशिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक होने के साथ ही वहां की आर्मी के कर्नल इन चीफ भी हैं। उनके पास लगभग 102 अरब रुपए की दौलत है। सुल्तान की अपनी खुद की आर्मी है और जोहोर मलेशिया का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइवेट आर्मी है। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मालिक सुल्तान इब्राहिम के पास करीब 641 करोड़ रुपए का एक गोल्ड प्लेटेड प्लेन और एक आलीशान 3 मंजिला मिशन है जिसे उन्होंने 4170 लाख रुपए में खरीदा था।